हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, चर्चा शुरू कर रहे हैं टर्म की। बाबू, अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, जहाँ हमने एक फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन करे। बाबू, वो शुरू के 9 इलस्ट्रेशन थे। उसके बाद बेटा, हमने कल दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन देखे कि जहाँ हम वो अकाउंटिंग इक्वेशन का बिना फॉर्मेट के इस्तेमाल करते हैं और सिंपल सिंपल आंसर आते रहते हैं। बाबू, अब मैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मुश्किल भी हैं, दूसरी बात ये जर्नल एंट्री का बेस भी है, मतलब जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी अकाउंटेंसी का, उसका बेस भी है ये। ठीक है जी, आराम से सुनना। अब ये वाला टॉपिक, यहाँ पर मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, मुझे अगले चैप्टर सारे सुधार के चलने हैं। और दूसरी बात बेटा, यहाँ स्पीड स्लो करने का एक और रीज़न भी है कि इसके बाद मैं सीधा जर्नल एंट्री शुरू भी नहीं कर सकता, मेरे को पहले हवेली के सिलेबस भी पूरा करना है। एक चैप्टर और है, बैंक को रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो कराना है। फिर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, वो खत्म करूंगा, फिर थियोरिटिकल चैप्टर मेरे पास से मूव करूंगा। आओ जी प्यारे बच्चों, एक टर्म का डिस्कशन करते हैं बेटा। टर्म का नाम है अकाउंट। बेटा सामने देखना, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ड लिखा हुआ है अकाउंट, अकाउंट्स नहीं। बेटा ये अकाउंट क्या चीज होती है? बेटा अकाउंट का मतलब है कि समरी बनाना। देखो, अभी तक मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहा हूं। अच्छा, मान लो ऐसी 100 ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस में रोज होती है और मैं 100 ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन रोज बनाता जाऊं। 365 दिन के बाद कोई मुझसे पूछे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो मुझे नहीं लगता अकाउंटिंग इक्वेशन देख के कोई भी आदमी बता सकता है प्रॉफिट हुआ या लॉस या एग्जैक्टली कितने अमाउंट का हुआ। कोई मेरे से पूछे जी आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, तो शायद मैं प्रॉपर्टीज तो बता पाऊँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी एसेट्स का टोटल है वो तो बता पाऊँ, बट बेटा मैं कभी प्रॉफिट और लॉस एसरटेन नहीं कर पाऊंगा, ना एग्जैक्ट अमाउंट में बता पाऊंगा। तो बाबू, बिजनेस में अकाउंट्स बनाने की वजह ही ये होती है, मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ता ही हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाऊँ कि मैं क्या कमा रहा हूँ बिजनेस से या क्या गवा रहा हूँ, अगर गवा रहा हूँ तो। ठीक है ना जी? बाबू, अकाउंट क्या चीज है? सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की समरी बनाना और एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना। बाबू, अब मैं करने क्या जा रहा हूं, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर लिखने जा रहा हूं और बेटा वो भी समरी फॉर्म में। ठीक है ना, डिटेल्ड फॉर्म में नहीं, बिल्कुल समरी फॉर्म में, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह। ये एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने का क्या मतलब है? बाबू, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने का मतलब है परचेज की सारी ट्रांजैक्शन पूरे साल भर जितनी भी हुई है वो एक जगह पर। बाबू, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने का मतलब क्या है बेटा? अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है तो बेटा सारी एक ही जगह पर, सेल्स की ट्रांजैक्शन है सारी एक जगह पर, जितनी भी ट्रांजैक्शन सेल की है एक ही जगह पर लिखूंगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन परचेज की है एक ही जगह पर लिखूंगा। ठीक है जी, आप खुद सोच कर देखो बेटा, एक ऐसा बिजनेस जो कन्फेक्शनरी शॉप का है, ठीक है, गली मोहल्ले की दुकान है, हर 2 मिनट के बाद एक आदमी आता है कोई ना कोई सामान खरीद के जाता है। बेटा जो दुकान खुलती भी बाबू दिन में 16 घंटे है और काम भी रेगुलर है उस पर, आप सोच कर देखो, ऐसे हर गली मोहल्ले में दुकान है। अब आप सोच कर देखो ना बेटा, इतनी सेल्स की ट्रांजेक्शन होती होंगी, कितनी परचेज की ट्रांजेक्शन होती होंगी। बेटा ऐसी सब ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे लिखना ये अकाउंट है, और वो भी समरी फॉर्म में। कैसे लिखते हैं वो सब मैं सिखा रहा हूं। बेटा कोई भी अकाउंट कैसे बनता है? बेटा दिखने में ये टी शेप ही होता है, जैसे बैलेंस शीट दिखने में टी शेप होती है। ठीक है जी, मान लो बेटा मैं परचेज अकाउंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट। बेटा जब भी वर्ड अकाउंट लिखना है इसके बाद कभी भी पूरा ऐसे अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ए कैपिटल स्लैश स्मॉल सी। पता नहीं यार बाबू, कभी भी वर्ड अकाउंट लिखना होगा मुझे, मैं ए कैपिटल लिखूंगा, स्लैश लगाऊंगा और स्मॉल सी लिखूंगा। ठीक है जी, दिखने में बेटा कोई भी अकाउंट कैसा होगा, टी शेप होगा,
और बेटा इसकी दो साइड होंगी, दिखाई भी दे रहा है आपको बेटा, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। बेटा किसी भी अकाउंट में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमेशा बेटा वो डेबिट साइड होती है, और बेटा हम इसको बताने के लिए कि ये डेबिट साइड है, डेबिट के लिए एक वर्ड लगाते हैं डी आर, ठीक है जी बाबू। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज अ डेबिट साइड। बाबू किसी भी अकाउंट में जो राइट हैंड साइड होती है बेटा इट इज अ क्रेडिट साइड, और ये बताने के लिए कि ये क्रेडिट साइड है सर हम राइट हैंड साइड के ऊपर शॉर्टकट में लिखते हैं सी आर, करोड़ नहीं है ये, ठीक है जी क्रेडिट है, ठीक है जी। और बाबू आपको बताने के लिए मैं इन डिटेल लिख रहा हूं क्रेडिट साइड, ठीक है जी। कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप होता है एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। अब बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब उठेगा कि बेटा किस अकाउंट में किस चीज को मैं डेबिट करूं और किस अकाउंट में मैं किस चीज को क्रेडिट करूं, ये नहीं समझ में आ रहा। अकाउंट तो बहुत सारे बनेंगे, अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स पढ़ी हैं हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, भैया मैंने परचेज के बारे में पढ़ा, मैंने सेल के बारे में पढ़ा, मैंने कैपिटल के बारे में पढ़ा, लाइबिलिटीज में मैंने क्रेडिटर्स पढ़ लिए, बैंक लोन पढ़ लिया बेटा, और भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, शेयर्स मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैश, बैंक, ब्ला 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 ब्ला, कितने सारी चीजें पढ़ ली, इतने सारे अकाउंट पढ़ लिए। बेटा जब मैंने इतने सारे अकाउंट पढ़ लिए हैं तो सबको समराइज करना है, सबको बनाना है। अब बेटा किसको डेबिट करूं, कब किसको क्रेडिट करूं, ये तो किसी को भी नहीं पता। क्या बेटा इनको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, बेटा नहीं, कुछ गिनती के तीन रूल हैं। तीन रूल में सारे अकाउंट समाये हैं दुनिया के, तीन रूल में ही सारा काम चल जाएगा। आपको तीन रूल से पता लग जाएगा कब किस अकाउंट को डेबिट करना है, कब किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है जी बाबू। इन्हें हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। मैं तीन रूल पढ़ाऊंगा अभी आपको, बोलते क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, और बता देता हूँ बेटा किसी भी इंसान ने जो अकाउंट सीखी है वो बेटा इन्हीं गोल्डन रूल से सीखी है, ठीक है ना। और ये बेस है बनेंगे जर्नल एंट्री का भी। बेटा अगर मुझे बताना है अकाउंट में कितनी साइड है, तो बेटा किसी भी अकाउंट में आप लेजर बना चुके हो, जो लोग लेजर बना चुके हैं उनको अकाउंट के बारे में ज्ञान देना बेवकूफी है बाबू, जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए स्पेशल बात। बेटा किसी भी अकाउंट में टोटल 8 कॉलम होते हैं बाबू, यानी कि 4 कॉलम ईच साइड, डेबिट साइड में भी 4 कॉलम और बेटा क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम, ठीक है ना। किसी भी अकाउंट में टोटल 8 कॉलम, डेबिट साइड में भी 4 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, इतना ही छोटा बनाना कि डेट लिखी जा सके। सेकेंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर, ठीक ठाक लेंथ का होना चाहिए ये। थर्ड कॉलम इज ऑफ JF, JF मतलब जर्नल फोलियो। बेटा बताऊंगा मैं इसका मतलब, जो पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से बताया मैंने एक बार, मतलब इसका क्लियर किया था। बेटा फोलियो का मतलब कुछ और नहीं होता, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, रुक भी जाओ भाई 4 बार देख चुका हूं। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, JF मतलब जर्नल फोलियो एंड फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। बेटा सेम 4 कॉलम यहां पर भी होते हैं क्रेडिट साइड में भी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। बस बाबू क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है तो ये अमाउंट डेबिट है, और ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है तो ये अमाउंट क्रेडिट है। बाकी डिस्कशन अकाउंट का होगा परसों के लेक्चर में, आज इतना ही बोलूंगा अकाउंट के बारे में और वाइंड अप, ठीक है जी। क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ना क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं किस अकाउंट में, तो पहले डेबिट और क्रेडिट करना सीख लें, ठीक है जी, फिर दोबारा इस पर वापसी करेंगे, ठीक है जी, एक दिन के बाद। बाबू अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिन्होंने पहले कभी भी नहीं पढ़े उनका फोकस डबल। बेटा दो बातें करने जा रहा हूं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। बेटा डेबिट या क्रेडिट करने की दो अलग अलग अप्रोचेस हैं बेटा, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच
मेरी फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट बनेगी। एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। बेटा मॉडर्न अप्रोच ये हाल ही में इमर्ज हुई है। इसका बाबू मैं बता देता हूँ इमर्जेंस कितना है। मेरी 11th हो रही थी, 2008-09 बैच था, तब तक मैंने नहीं पढ़ी थी मॉडर्न अप्रोच, ठीक है जी। ये हाल ही में कुछ 5-6 सालों पहले ही इमर्ज हुई है बेटा मॉडर्न अप्रोच, ठीक है जी। बाकी जितने भी पुराने बच्चे हैं बेटा सबने एक ही अप्रोच पढ़ी अपनी जिंदगी में, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बाबू डेबिट और क्रेडिट करने की दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, एक बाबू ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरी बेटा मॉडर्न अप्रोच है। पहले बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच पे मास्टरी करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को रेयरली यूज करेंगे हम, बड़े रेयरली, ठीक है जी। बाबू ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है अकाउंट सिर्फ दो ही तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, सिर्फ दो ही पार्ट है बेटा जिसमें अकाउंट को क्लासीफाई करना चाहिए बेटा, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फर्दर तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और बेटा तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बट यू मीन बाय नेचुरल पर्सनल अकाउंट बेटा, नेचुरल पर्सन, हर वो पर्सन जो एक नेचुरल प्रोसेस से जन्मे हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुए हैं, वो बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। यानी कि बेटा अभी तक मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन में ऐसे नाम सुनता था, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस, मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, सोल्ड गुड्स टू सीता, परचेज गुड फ्रॉम गीता, बाबू जितने भी नाम सुन रहे हो ये सब नेचुरल प्रोसेस से जन्मे लोग हैं, ये बेटा पार्ट होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट का, जितने भी नाम अभी तक आपने सुने, ठीक है जी। जितनी भी ट्रांजेक्शन करी हमने ऐसे बहुत सारे नाम सुन लिए, ये सब है बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा यहाँ पर एक शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट पूरी जिंदगी याद रहे। बेटा मैं इस शॉर्टकट को बोलता हूँ CDCD प्यार से। CDCD का क्या मतलब है बेटा, सारे क्रेडिटर्स सारे डेटर्स और प्रोपराइटर की कैपिटल और प्रोपराइटर की ड्रॉइंग्स, यानी कि प्रोपराइटर भी कवर हो गया और बेटा क्रेडिटर डेटर भी कवर हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। शॉर्टकट ऐसे ही याद रखना है बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट का, CDCD मतलब क्रेडिटर डेटर कैपिटल ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब बेटा वो लोग जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं जन्मे, जिनको हमने लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके जन्म दिया है बेटा। पार्टनरशिप कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं जन्मी बेटा किसी की पार्टनरशिप। आपने क्या करा, लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया पार्टनरशिप बनाने का, आपने वो प्रोसीजर पूरा किया, पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया, आपने वो पूरा करा, कंपनी बना ली। तो बाबू ऐसे सारे लोग जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं जन्मे, जो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से पैदा हुए हैं, वो बाबू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाते हैं। बाबू इंडिया की सारी पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिया की सारी कंपनी, अगर मुझे बोलना हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और HFP में यहाँ बोल सकता हूँ। इतना मुझे लगता है आप सबने पढ़ लिया होगा, चाहे BST में, चाहे कहीं पढ़ते हो, चाहे घर पढ़ते हो, चाहे स्कूल पढ़ते हो, चाहे सेल पढ़ते हो, चाहे कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, ये वर्ड आपको पता होंगे। नहीं पता तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, दो ही बातें ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी। तीसरी बात जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ बेटा वो बैंक्स। बेटा इंडिया में जितने भी रजिस्टर्ड बैंक है उसका 90% से ज्यादा बैंक कंपनी ही है, बस आपको नहीं पता होता। आपको लगता है पंजाब नेशनल बैंक, बेटा पूरा नाम है पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। आपको लगता है SBI लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था पहले लिमिटेड, PNB में मर्ज हो चुका है, बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड। अगर मैं वर्ड लिमिटेड लिमिटेड बोल रहा हूँ, इतना बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, तो बेटा लिमिटेड वर्ड पब्लिक कंपनी के आगे लगता है, कंपनी ही हो, ठीक है जी।
तो बाबू आर्टिफिशियल पर्सन में कवर हो जाती है पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज और बेटा बैंक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, नेचुरल पर्सन समझ में आया, जो नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुए हैं। आर्टिफिशियल बेटा, जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं जन्मे बेटा, लीगल फॉर्मेलिटी से हमने जन्म दे दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये मुद्दा बेटा सिर्फ 2 मिनट के बाद का, 2 मिनट बाद इसके बारे में सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। बेटा इम्पर्सनल कहता है कि अकाउंट और फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बाबू रियल अकाउंट में क्या आता है? दुनिया की सारी एसेट्स, दो का नाम छोड़ दो, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट दो छोड़ दो बेटा। बाबू पहली एसेट जिसको छोड़ना है वो है डेटर, दूसरी एसेट जिसको छोड़ना है वो है बेटा बैंक। क्यों? बेटा बैंक ऑलरेडी यहाँ कवर है और डेटर ऑलरेडी यहाँ कवर्ड है, तो बाबू उनको छोड़ दो, बाकी सारी एसेट्स की चर्चा यहीं कर लेना रियल अकाउंट। यानी कि लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर पिक्चर हो, गुडविल हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोई और इंटेंसिबल एसेट्स हो, कोई और इन्वेस्टमेंट हो, सबका जिक्र यहीं कर लेना। कैश का जिक्र, स्टॉक का जिक्र, सबका यहीं कर लेना अभी तक के हिसाब से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके, आगे बढ़ सकते हैं। रियल में क्या आएगा? सारी एसेट्स एक्सेप्ट टू डेटर एंड बैंक। बाबू नॉमिनल में क्या आएगा? बेटा नॉमिनल में आएंगे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बेटा बिजनेस की जितनी इनकम्स हैं, जितने गेन्स हैं, जितने खर्चे हैं, जितने नुकसान हैं, सब चिपका देना नॉमिनल में। ठीक है जी। बाबू तीन तरीके के यानी कि कुल मिलाकर अकाउंट हो जाते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। बेटा इन तीनों के ऊपर एक एक रूल लगता है, यही गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। यानी कि तीन रूल में सारी अकाउंट समा गई है, सारी के सारी अकाउंट सिर्फ तीन बातों में समा गई। बेटा पर्सनल पर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल पर रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बेटा नॉमिनल पर रूल लगता है नॉमिनल पर रूल लगता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इधर देखना चाहिए बेटा, मैं कंक्लूजन दे देता हूं इन सबका। बेटा बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल वो डेबिट होगा। कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, वो क्रेडिट होगा। पहला इतना सिंपल, सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट, सारी इनकम सारे गेन्स क्रेडिट। बाबू रियल रियल में इंक्लूड होती हैं सारी एसेट्स और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कोई भी एसेट बिजनेस में आएगी कहता है डेबिट करना, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई भी एसेट बिजनेस में डेबिट कर लो और कोई भी एसेट बिजनेस से जाए कहता है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कोई भी एसेट बिजनेस से जाए आप क्रेडिट कर देना। और बेटा पर्सनल पर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बाबू बिजनेस से कोई इंसान कुछ भी रिसीव कर रहा है, मैं बिजनेस, मैं अगर किसी इंसान को कुछ भी दे रहा हूं कहता है डेबिट द रिसीवर। और कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस को कुछ दे रहा है कोई इंसान कहता है क्रेडिट द गिवर। वो बेटा गिवर है, उसने बिजनेस को कुछ दिया है, उसको करना क्रेडिट। और आप बिजनेस से किसी को कुछ दे रहे हो तो उसको कर देना बेटा डेबिट। अभी सिंपल सा मैंने क्रक्स बता दिया, फिर भी बेटा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है जी। बाबू मॉडर्न अप्रोच का जिक्र कर देता हूं आपके साथ। बेटा मॉडर्न अप्रोच का एक छोटा सा शॉर्टकट है, ठीक है ना? मॉडर्न अप्रोच है बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे बना रखे हमने कि 1 मिनट में टिप्स पर दिमाग में जाए। ठीक है जी बेटा, इसका शॉर्टकट है क्लियर, शॉर्टकट का नाम है क्लियर। बेटा क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर में भी बेटा अकाउंटेंसी की सारी टर्म्स समा गई हैं। बेटा सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यूज। बेटा कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यूज, और ये तो बहुत ही हल्की बात करता है। मतलब कहाँ पढ़े हमने बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच और कहाँ मॉडर्न अप्रोच। ये कहता है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल लगते हैं, एक जैसे रूल तीन चीजों पे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पर। अगर ये बिजनेस में बढ़ेंगी, कभी भी ये बिजनेस में बढ़ेंगी, कहता है कर देना क्रेडिट, और अगर ये गिरेंगी तो कहता है कर देना डेबिट। दैट्स इट, इतना सा रूल। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल, अगर इंक्रीज हो तो कर देना क्रेडिट, डिक्रीज हो तो कर देना डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल, अगर ये बढ़ जाए तो बेटा कर देना डेबिट, और अगर ये गिर जाए तो बेटा कर देना क्रेडिट। दैट्स इट, यही हम मॉडल अप्रोच, इतनी जरा सी बात। ठीक है जी, बस एक काम करो, मुझे पहले हल्का सा रिविजन कराओ ताकि मैं अगली बात बोल तभी पाऊं, क्योंकि अगली बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, रायता ना हो जाए पिछले सभी का। बाबू दो तरीके की अप्रोचेस हम डिसाइड कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। बाबू दो तरीके की अप्रोचेस हैं डेबिट और क्रेडिट करने की, पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी फिर मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है अकाउंट को दो अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, पर्सनल और इनपर्सनल। पर्सनल में क्या आता है बेटा? टोटल पर्सनल को भी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जिसमें अभी मैंने रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं बोली, ठीक है ना? बोलता हूँ। वो नेचुरल पर्सन में क्या आएगा बेटा? वो लोग जो नेचुरल प्रोसेस से जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, ठीक है ना? कोई भी नाम की बात करो आप, राम मोहन, सोहन, गीता, सीता, जिसकी भी बात करो, मैंने शॉर्टकट बता दिया, CDCT, क्रेडिटर, डेटर, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। ठीक है जी बाबू, फिर हमने आर्टिफिशियल पर्सन की बात करी, वो लोग जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं जन्मे, क्या हुआ बेटा? कहीं ना कहीं किसी लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद ही पैदा हुए हैं, जैसे कि बेटा कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और बैंक्स। ठीक है जी बाबू, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की भी बात सुनी लो, हाथ तो आते निपटा देते हैं इसको। देखो अगर कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉसेस हैं, कोई भी इनकम है, कोई भी गेंस है, वो नॉमिनल का पार्ट है। लेकिन बेटा अगर मैं खर्चे के आगे कोई प्रिफिक्स या सफिक्स जोड़ दूंगा तो बेटा खर्चा रिप्रेजेंटेटिव में पहुंच जाएगा। समझाने के लिए बहुत बोलता हूँ। देखो अगर मैं कहूँ सैलरी, तो आपको पता है बेटा बिजनेस का एक खर्चा सैलरी यहाँ कवर होगी। लेकिन मैं अगर बोल दूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने क्या करा? सैलरी के आगे प्रिफिक्स जोड़ दिया। ठीक है जी, या मैं अगर इसको आउटस्टैंडिंग ना बोलता, मैं ऐसे बोलता सैलरी इंकर्ड बट नॉट पेड, यानी कि बात फिर घूम फिर के आउटस्टैंडिंग की है। यानी कि बेटा अगर आपने खर्चे के सामने प्रिफिक्स जोड़ा या सफिक्स जोड़ा तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। या अगर मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड ना जोड़ता, मैं बोल देता प्रीपेड सैलरी, तो भी यही रहता है क्योंकि मैंने एक सफिक्स जोड़ दिया, ठीक है ना? या मैं ऐसे बोल देता सैलरी पेड इन एडवांस, तो मैंने क्या करा? बाद में कुछ जोड़ दिया, सफिक्स लगा दिया, तो भी यही रहता है। खर्चे और इनकम आएंगे यहीं, अगर उनके सामने प्रिफिक्स या सफिक्स लगाया तो वो यहां पहुंच जाएंगे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पूरे के पूरे पर्सनल अकाउंट पे एक ही रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, उसके बाद बेटा रियल अकाउंट में आती है सारी एसेट्स एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर, और एक ही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद आते हैं नॉमिनल में सारे खर्चे, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे गेंस। रूल लगता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। मॉडर्न अप्रोच हद से ज्यादा टुच्ची है, इसका शॉर्टकट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। कैपिटल,
लाइबिलिटी एक्सपेंसेस एसेट्स एंड रेवेन्यू, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल। अगर ये बड़ी कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू तो बेटा होंगी क्रेडिट, गिरी तो कर देना डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स बड़े तो कर देना डेबिट, गिरे तो कर देना क्रेडिट। हैव डन, इतनी बात रिवाइज भी हो गई, अच्छे से दिमाग में पहुंच गई। पुराने बच्चे कह रहे जी बिल्कुल ठीक है, हमने तो एप्लीकेशन भी देख ली, पूरी जर्नल एंट्री इसी पर बेस्ड है, ठीक है जी। और बाद में हम पूछते भी नहीं इसको कुछ टाइम के बाद, इतना रट चुकी होती है जर्नल एंट्री की, चल भाई चल तेरे को तो ऐसे ही निपटा देंगे बाबू। अब एक आखिरी बात जो मुझे इससे रिलेटेड करनी है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जो अभी तक आपने गलत तरीके से पढ़ी और मुझे बिल्कुल ठीक करनी है, वो समझना बाबू। एक बात बताओ, अगर मैं बिना समझाए आपसे पूछूं परचेस कहाँ आएगा या सेल कहाँ आएगा, अभी तक ना आप क्या कर रहे हो, परचेस और सेल का इम्पैक्ट कहाँ दे रहे थे जब फॉर्मेट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। एसेट्स में एक हेड होता है स्टॉक, परचेस और सेल को वहीं पर दिखा रहे हो। तो अगर मैं पूछूं अभी आपसे परचेज और सेल कहाँ कवर होगा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर होगा एसेट्स, और एसेट्स पे रूल जो लगते हैं वो लगा देंगे, ठीक है जी बाबू। ऐसा बच्चे सोचते होंगे, पर बेटा एक्चुअली में ये बात है ही नहीं। एक्चुअली में बेटा परचेज और सेल एसेट्स नहीं होते, ये बात बस उस अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन तक सीमित है जो आपने इलस्ट्रेशन 9 कर ली है, बस वो 9 में बात रहेगी। पूरी जिंदगी परचेज और सेल को एसेट ना बताते रहा, बस वो बात वहीं तक थी, खत्म हो गई, भूल जाना उसके बाद उसको कि परचेज और सेल एसेट होते हैं। परचेज और सेल कभी एसेट नहीं होते, मैं साबित करने जा रहा हूँ, आराम से सुन लेना और कोशिश करना ये बात एक ही बारी में समझ में आए, ताकि मैं दो क्वेश्चन करा सकूँ, फिर वाइंड अप होगा बैच आज का। बेटा एक बात बताओ, आप बैलेंस शीट किस डेट को बनाते हो, फटाफट से बताना मेरे को। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन क्या लिखते हैं हम, बैलेंस शीट ऑफ डैश एंड डैश एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो बेटा मैं लिखूंगा 31/24, ठीक है जी। और एसेट्स लिखनी शुरू करूंगा, जिसमें मैं एक एसेट्स लिखता हूँ स्टॉक, चाहे बोल लो स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, बात तो एक ही है। अगर मैंने स्टॉक भी लिखा है तो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन का लिखा है, मतलब लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक ही है। बेटा मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट नहीं होता, लेकिन स्टॉक एसेट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक ही एसेट होता है। अब समझाने के लिए बात बेटा सुनना, आपने बेटा 1st of May 2023 बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और बिजनेस है, अगेन वही एग्जांपल चलाते हैं, जीन्स बेचोगे आप, फ्लू जीन्स, ठीक है। आज आपने बेटा 1000 जीन्स बाय कर ली, मुझे बताओ स्टॉक बढ़ा या नहीं, स्टॉक बढ़ा, फटाफट बताओ स्टॉक बढ़ा क्या नहीं। बेटा हर परचेस और सेल स्टॉक पर इंपैक्ट डालती है विदाउट अ डाउट, परचेस और सेल स्टॉक पर इंपैक्ट डालती है विदाउट अ डाउट। मैंने अगर 1000 जीन्स आज बाय करी है, परचेस करी है, जब घर जाऊंगा अगर मैंने कुछ नहीं बेचा तो 1000 जीन्स का मेरे पास स्टॉक है, ठीक है। पर बाबू एक बात बताओ, 1st मई को बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, लाइबिलिटीज एसेट्स ढूंढते हो क्या फर्स्ट को, नहीं ढूंढते, तो ये कहां से एसेट हो गया, ये एसेट नहीं हुआ, बैलेंस शीट नहीं बनाता मैं इस डेट पर। बाबू धंधा आगे बढ़ा, मान लो 30th जुलाई को या 30th जुलाई तक आपने 300 जीन्स बेच दी, कितना स्टॉक है मेरे पास जीन्स का, 700, 1000 था 300 बिक गई, कितना हो गया 700, बोलो यार बोलो, पार्टिसिपेट करोगे तो समझ में आएगी बात जाके, 700। बस एक बात बताओ, आज बैलेंस शीट बनाऊंगा भाई, ठीक है स्टॉक 700 है, एसेट नहीं है, आज भी एसेट नहीं है बाबू। आगे बढ़ता रहा धंधा, आज 31st of October है, आज बेटा 200 जीन्स बाय कर ली और स्टॉक 900, बैलेंस शीट बनाऊंगा, आज भी एसेट नहीं है बेटा। आगे बढ़ा धंधा 1st of February, आज बेटा 500 जीन्स बेच दी, 400 जीन्स बची, आज भी एसेट नहीं है बाबू, और कुछ भी नहीं हुआ, 400 जीन्स ही बची आखिरी दिन, एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक है, आज बैलेंस शीट बनेगी बेटा। लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो बात यह है कि हर सेल और परचेज एसेट नहीं होती, हर परचेज और सेल की वजह से आखिरी दिन बचने वाला स्टॉक एसेट होता है, हर सेल और परचेज एसेट नहीं होती।
सेल और परचेज की वजह से जो आखिरी दिन स्टॉक बच जाता है बस वही एसेट होता है। तो सेल और परचेज होती क्या है? अब मुद्दा ये उठता है, चलो ये तो समझ में आ गया एसेट नहीं है, ये समझ में आया सेल और परचेज की वजह से जो आखिरी दिन फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन चीज बचेगी वो स्टॉक है, तो फिर सेल परचेज क्या है? बेटा सेल इज द नॉर्मल इनकम ऑफ बिजनेस एंड परचेज इज द नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। परचेज एक नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, मैंने गुड्स खरीदे बेटा पे करूंगा, मैंने सेल करी बेटा पैसे आएंगे। इट इज सेल इज अ नॉर्मल इनकम एंड परचेज इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। तो बेटा ध्यान रखना, परचेज हमेशा एक्सपेंस में कवर होगी एज पर मॉडर्न अप्रोच, और सेल्स हमेशा रेवेन्यू में कवर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, ये अभी तक की सबसे मुश्किल बात आई है जितने भी लेक्चर थे, क्योंकि एक बार गलत ट्रीटमेंट बताने के बाद बच्चों को सही करना मुझे लगता है बहुत महाभारत होता है। जीरो बिल्डिंग बनानी बहुत आसान है, पहले ही नेगेटिव हो पहले तो जीरो लाना पड़ता है भैया। अगर कोई चीज गलत सीखी है, अकाउंटेंसी बनी इस हिसाब से है कि पहले अकाउंटिंग इक्वेशन कराते हैं, थोड़ा सा गलत सिखाते हैं, फिर ठीक करते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यूपी बोर्ड में था मैं 9th 10th में, मैंने कॉमर्स पढ़ी थी मतलब अकाउंटेंसी पढ़ी थी, तो बाबू कभी भी हमारे को अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नहीं होता था, और मुझे आज भी इसका लॉजिक समझ नहीं होता। इन अ प्रैक्टिकल लाइफ देर इज अ जीरो यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई यूज ही नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। पता नहीं क्यों सिखाते रहते हैं बच्चे को, या तो डुअल एस्पेक्ट को जस्टिफाई कराते रहते हैं बस। बाबू ये तो बात हुई मॉडर्न अप्रोच की, कि खर्चे में जाएंगे परचेसेस और रेवेन्यूज में जाएंगे सेल्स। बेटा यहां क्या होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में? बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, मैं नॉमिनल अकाउंट में लिखता हूं, परचेसेस एक्सपेंस ही हैं और इनकम में ही सेल्स आने वाली है। यानी कि चाहे सेल हो चाहे परचेस हो, रूल यही लगेगा। ये मत कहते ना परचेज और सेल एसेट है, मैं तो रियल अकाउंट के रूल लगा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, रूल यही लगेगा। ठीक है, रही बात, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब वो मॉडर्न अप्रोच के ऊपर आज दो क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रेडिशनल का क्वेश्चन देखता हूँ, शुरू तो कर देता हूँ, खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, मॉडर्न के ऊपर दो क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं बिल्कुल। आकाश भाई पोस्ट करने का उत्तर सामने देखना बेटा, मैं दो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, दोनों मॉडर्न अप्रोचेस से करूंगा। कल 14 तक इलस्ट्रेशन हो गए थे, आज 15 16 कर रहे हैं, 17 शुरू हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बेटा कहता है किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा इन फॉलोइंग अकाउंट्स का इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज पूछा है। ठीक है जी बेटा, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो शॉर्टकट है क्लियर, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पर एक जैसे रूल लगते हैं, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। इसने इंक्रीज की बात पूछी है तो मैं डिक्रीज की बात ही नहीं सोचता, इन तीनों में से कोई भी हो अगर इंक्रीज हुआ तो कर दूंगा क्रेडिट, और एक्सपेंसेस और एसेट्स हो तो इनके ऊपर एक जैसे रूल, अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट। सिंपल, बहुत सिंपल, करते हैं खत्म। बाबू कैश, पहले बताओ नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये क्या है, क्लियर में से क्या है? कैश एसेट, एसेट का इंक्रीज हमेशा डेबिट होता है। सिंपल, मुंह जबानी खत्म कर दें, लिखने की क्या जरूरत है, पहले कईयों ने लिखा ही हुआ है, अभी इतना टाइम भी नहीं, आगे बढ़ाते हैं। मशीनरी अगेन क्या है, एसेट, इंक्रीज क्या होता है डेबिट। डेटर क्या है, एसेट, इंक्रीज क्या होता है डेबिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट। क्लियर, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पर एक जैसे रूल है, इंक्रीज क्रेडिट होता है इन तीनों का। प्रोपराइटर्स अकाउंट, प्रोपराइटर्स अकाउंट मतलब कैपिटल, प्रोपराइटर का एक ही अकाउंट है कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल का क्या होता है, इंक्रीज क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू, बाबू कोई भी चीज रिसीव हो रही है बिजनेस के लिए इनकम है मतलब रेवेन्यू है। ठीक है ना, रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट। सैलरी पेड एक्सपेंस, क्लियर में से क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का इंक्रीज डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट। सिंपल, एक सेकंड में हो गया, आओ जी 16th।
ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बाबू किसका डिक्रीज कहाँ जाएगा? कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल, डिक्रीज इनका डेबिट होता है। बाबू ऐसे ही एक्सपेंसेस और एसेट्स पे एक जैसे रूल, डिक्रीज इनका क्रेडिट होता है। पढ़ो जी, फर्नीचर क्या है? एसेट डिक्रीज है, क्रेडिट। बैंक एसेट है, डिक्रीज क्रेडिट। प्रोपराइटर्स अकाउंट कैपिटल, डिक्रीज डेबिट। सैलरी पेड एक्सपेंस है, डिक्रीज क्रेडिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, वो मत सोचो अभी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। मैं मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन कर रहा हूँ। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हो, आप बैलेंस शीट उठाकर देख लो, जो मैंने बनवाई हुई है आपकी, उसमें लिखवाया हुआ है लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग। चार ही बातें लिखवाई थी, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाबू अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का डिक्रीज डेबिट होता है, ठीक है जी। सुभाष अ कस्टमर, बेटा सुभाष जो आपका कस्टमर है, कुछ और नहीं मतलब डेटर है। बेटा डेटर क्या है? एसेट, एसेट का डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। दो क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बाबू अब मैं 17 स्टार्ट जरूर कर रहा हूं, आज खत्म नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में, मुझे भी पता है, ठीक है जी। आपको लग रहा होगा कि शायद हो सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी। कराना भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, कराऊंगा भी वैसे कि जैसे आप कुछ नहीं भी जानते, ठीक है जी। तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। मैं सब क्वेश्चन पहले रीड करता हूँ, फिर बताता हूँ करना क्या। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट बी क्रेडिटेड। बाबू कहता है आपको इन ट्रांजेक्शन से ये बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व है, और आपको ये बताना है कौन सा अकाउंट करोगे डेबिट और कौन सा अकाउंट करोगे क्रेडिट। अच्छा जी देखते हैं। बाबू मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, और उस फॉर्मेट में 5 कॉलम होंगे। ये सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे क्वेश्चन, इसलिए बेटा वो फॉर्मेट आप भी बनाओगे, ठीक है जी। पहले मैं बता दूँ कैसे बनेगा फॉर्मेट, फिर आप बना लेना। बेटा 5 कॉलम हम इसमें बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक ठाक बड़ा होगा। पहला कॉलम है ट्रांजेक्शन का, गुस्सा कर। अच्छा बाबू फिर बात करेंगे अकाउंट इन्वॉल्व्ड, फिर बात करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, और फिर बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट। बाबू फॉर्मेट रेडी करो, अच्छा बैठो। बाबू बढ़ाते हैं बात को आगे, पढ़ना जरा क्वेश्चन। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। सहदेव ने बिजनेस शुरू करा 5 लाख रुपए से। बेटा ट्रांजैक्शन में सेम ट्रांजैक्शन लिख देनी है जो क्वेश्चन ने दी। सहदेव स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 5 लाख, ये लिख दिया ट्रांजैक्शन। अब बाबू मुझे देखना क्या है, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आराम से सुनना। टाइम लेती है ट्रेडिशनल अप्रोच, पर अगर एक बार समझ में आ जाए बेटा पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे। बाबू अब देखना है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। सर मैंने ना लेकिन एक बात पहले से ही पढ़ रखी है ड्यूअल एस्पेक्ट। कोई बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो दो चीजों पर इम्पैक्ट डालती है, दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। मैं एक के बारे में तो सोच ही ना, मैं दो के बारे में सोच रहा हूँ। और मैं बेटा पता किस दो के बारे में सोच रहा हूँ, जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले फॉर्मेट वाले क्वेश्चन करे थे ना, दो जगह पर इम्पैक्ट दिया हुआ है हर ट्रांजेक्शन का, वही दो दो जगह सोचते जाना। एक बात बताओ, अगर बिजनेस स्टार्ट करता सहदेव कैश के साथ, वहां क्या करते, किन दो जगह पर इंपैक्ट डालते, फटाफट से बताओ। कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, अभी भी वही करना है। बाबू किन दो जगह पर इंपैक्ट पड़ेगा, किन दो अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा? एक कैश अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट पर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कैश का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और कैपिटल का नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, सोचना क्या है, पर्सनल रियल या नॉमिनल, बस यही सोचना है। अब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से भी नहीं करा सकता, दोनों अप्रोचेज आने चाहिए बहुत अच्छे से। सर कैश कौन सा अकाउंट है?
रियल दुनिया की सारी एसेट्स वहीं पर आती हैं रियल में, बस बैंक और डेटर को छोड़कर, तो कैश भी तो वहीं आएगा। तो बाबू कैश इज अ रियल अकाउंट और कैपिटल, CDCD शॉर्टकट याद करो, क्रेडिटर, डेटर, कैपिटल और ड्रॉइंग्स। बेटा कैपिटल पर्सनल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको रूल सोचो, देखो मुझे बताना है क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इनमें से एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट ही होगी, ठीक है ना? अगर आपने एक भी सही सोच लिया ना तो दूसरा अपने आप सोचा जाएगा, पर रटना नहीं है, मैं दोनों के बारे में सोचवाऊंगा। शुरू की 5-6 ट्रांजेक्शन में आखिरी की एक दो ट्रांजेक्शन छोड़ देंगे, एक डेबिट सोच लिया तो दूसरा क्रेडिट छोड़ देंगे, सीधा क्रेडिट में लिख देंगे। बाबू कैश का रूल क्या कहता है, मतलब रियल का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में कोई भी एसेट्स आ रही है करना डेबिट, और बिजनेस से कोई भी एसेट जा रही है कर देना क्रेडिट। बाबू कैश बिजनेस में आ रहा है या नहीं? फिलहाल आ रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है कैश के साथ, शायद 5 लाख रुपए कैश लेके आया। बाबू कैश बिजनेस में आ रहा है और एज पर रियल अकाउंट बेटा ये डेबिट होना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को कर दिया डेबिट, ठीक है जी। मुझे 100% पता है, बिल्कुल 100% कैपिटल क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, पर फिर भी मैं कहता हूँ रूल सोच लो। बाबू कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बाबू मेरा बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है तो मैं वही बोलूंगा ये रिसीवर है मेरे बिजनेस का, उसको डेबिट करना। और बेटा कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा ये गिवर है, इसने बिजनेस को कुछ दिया, इसको क्रेडिट करना। सहदेव ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए कैपिटल दी, बिजनेस को दिया है, क्रेडिट द गिवर, कर दिया बेटा क्रेडिट, कोई दिक्कत तो? बहुत कुछ याद आना शुरू हो गया होगा, बहुत कुछ, ठीक है ना जी। जल्दी नहीं करेंगे तो बेटा वैसे भी है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मेरे को इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में जल्दी करनी ही नहीं है, मैं पहले सोच के बैठा हूँ। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत शांति से पढ़ा लिया, ठीक है ना, बाकी हर जगह रिविजन में जल्दी मचाएंगे, यहाँ छोड़ के एक और ट्रांजेक्शन आज करेंगे बस, बाकी फिर आज नहीं हो पाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, बेटा गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपए के नगद, इधर देखना बेटा, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में था तो कहाँ इंपैक्ट देता था, जल्दी ना करना, अकाउंटिंग इक्वेशन से थोड़ा सा ट्रीटमेंट बदलेगा यहाँ पर। अगर गुड्स नगद खरीदता था, एक तो कैश कम करता था, एक स्टॉक बढ़ा देता था, यही करता था ना बाबू। कैश वाली बात अभी यहाँ पर एज इट इज है, अभी मैंने बताया बेटा परचेस कोई एसेट नहीं होता, वहां तो एसेट में स्टॉक दिखाया होता था। बाबू जब भी परचेस सेल की बात आएगी उनके खुद के ही अकाउंट में इंपैक्ट डालना है, यानी कि परचेस का इंपैक्ट परचेस में और सेल का इंपैक्ट सेल, नई बात, ठीक है जी। बाबू कैश कौन सा अकाउंट है मॉडर्न अकाउंट अप्रोच के हिसाब से, अभी भी डिसाइड किया था रियल है तो अभी भी दोबारा लिख दो रियल है। बाबू परचेस क्या है, नॉमिनल, कैसे पता लगा? नॉमिनल में क्या आता है, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंस सारे वहीं आते हैं, परचेज एक एक्सपेंस है बिजनेस का, अभी बताया मैंने। तो बाबू परचेज के ऊपर रूल लगेंगे नॉमिनल अकाउंट के, रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है तो करना डेबिट, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो करना क्रेडिट। जब गुड्स खरीद कर लाए, कैश बिजनेस में आया या गया? गया। रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आता तो करता डेबिट, जा रहा है तो करूंगा क्या क्रेडिट। तो बेटा कैश होगा यहां पर क्रेडिट, और अगर कैश क्रेडिट होगा ना 100% है परचेज डेबिट ही होगा, पर फिर भी सोच लो। नॉमिनल का रूल कहता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट करना, परचेज एक खर्चा है तो बेटा करना डेबिट, कर दिया डेबिट, ठीक है जी। बाबू बात बड़ी सीधी सी है, जिस बच्चे को सच में यह है कि मेरे को कैपिटलाइज करनी है ये अपॉर्चुनिटी की, रिविजन हो रहा है, बहुत सारे बैचेस देख लेना, बहुत सारे
दोस्त हैं आपके शहर में पूछ लेना, रिवीजन तक बात भी नहीं पूछेगी, कोर्स ही नहीं पूरा होगा, आखिरी दिन कोर्स पूरा होता है कईयों का, ठीक है ना अपना। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, मैं हूँ, पर ऐसा नहीं हूँ कि बेटा आपके स्टेक पर कमाना चाहता हूँ, आपको परेशान करके कमाना चाहता हूँ। मैंने बहुत तेजी से कोर्स निपटाया सिर्फ इस वजह से कि बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाए। अब जिसके मूड में है कि मुझे कैपिटलाइज करना है वो कैपिटलाइज कर रहा है, जिसको ये है कि कोई दिक्कत नहीं नींद पूरी होनी चाहिए, तो भगवान ऐसे बच्चों की नींद पूरी करे। ठीक है जी। और बाबू जो पहली बार ये चैप्टर कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद ये करता हूं कि उनकी प्रैक्टिस 2 बार चाहिए हर क्वेश्चन की। और ईमानदारी से बताऊं तो मैं आगे सोच रहा हूं कि वो 17 ये इलस्ट्रेशन घर पर खुद ट्राई करें। मैंने 2 ट्रांजेक्शन कर दी, बाकी का हिंट उनके लिए छोड़ दिया। हो जाए बहुत अच्छी बात, प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम होनी की आती है जिन्होंने प्रयास किया होता है, जो प्रयास ही नहीं कर रहे प्रॉब्लम कैसे आएगी। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो कर ही दूंगा भैया, मेरे तो पेपर फिर भी नहीं है। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।